देश में अब ये हाल है कि सरकार आपकी बात सुने ना सुने, लोगों के मसीहा बने सोनू सूद किसी को निराश नहीं करते। वो सबकी सुनते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। सोनू सूद ने एक बार फिर बता दिया है कि वो असल मायनों में लोगों के मसीहा और मददगार हैं। तभी तो सोनू ने बिहार के सोनू कुमार की फरियाद सुनी और उन्हें पढ़ने लिखने का सुनहरा मौका दे दिया। बिहार का एक बच्चा सोनू कुमार इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। उसकी बिहार सरकार से बस एक ही गुहार है कि वो पढ़ना चाहता है। इस बच्चे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने सीएम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर पढ़ाई का इंतजाम करने की अपील की थी। वीडियो में कहा था कि वो पढ़ना लिखना चाहता है। अब इस बच्चे की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए हैं। लोगों ने कहा कि सोनू की गुहार शायद सोनू सूद सुन ले। फिर क्या था, सोनू सूद ने तुरंत बच्चे को मदद दी और उसका एडमिशन करवा दिया। सोनू ने ये जानकारी ट्विटर के जरिए दी है जिसमें उन्होंने लिखा कि सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। सोनू सूद ने पोस्ट में बताया कि सोनू कुमार का एडमिशन पटना के आइडियल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बिहाटा में हुआ है। वही छात्र सोनू ने कहा कि हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर सीएम मदद नहीं करते तो हम सोनू सूद के पास जाएंगे। बता दें कि सोनू सूद ही नहीं, सोनू कुमार की मदद के लिए और भी लोग सामने आए हैं। इसमें पप्पू यादव, सुशील कुमार मोदी शामिल हैं। एक्ट्रेस गौहर खान ने भी सोनू की मदद के लिए कहा था। अपने फाउंडेशन के जरिए वे अब तक कई लोगों की अलग अलग तरह से मदद कर चुके हैं। सोनू सूद अपनी इस नेकदिली की वजह से लोगों के भगवान बन चुके हैं।